नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। चुनाव धमाका में आपका स्वागत है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग से चार दिन पहले आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। पीएम मोदी ने अगले पांच साल के लिए पार्टी के संकल्प को देश के सामने रखा। बीजेपी के संकल्प पत्र में दो बड़े वादे किए गए। पहला बड़ा वादा है पूरे देश में यूसीसी लागू करने का और दूसरा बड़ा वादा वन नेशन वन इलेक्शन का। वहीं मोदी ने एक बार फिर भ्रष्टाचारियों पर एक्शन जारी रखने की अपनी गारंटी दोहराई। उन्होंने कहा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद संकल्प पत्र पर तेजी से काम शुरू हो जाएगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम CAA लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। पीएम मोदी ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान किया। पीएम ने कहा कि 70 साल के ऊपर हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। अभी तक गरीबों को ही इस योजना का लाभ मिलता था, लेकिन अब 70 साल से अधिक उम्र के हर बुजुर्ग को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा। मोदी ने साथ ही पीएम मुद्रा योजना को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। मोदी ने कहा कि अपनी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मुद्रा योजना का विस्तार करेंगे। अभी तक इस योजना के तहत 10 लाख का लोन मिलता है, लेकिन इसे बढ़ाकर 20 लाख तक किया जाएगा। मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए भी बड़ा वादा किया। मोदी ने कहा कि रेहड़ी पटरी वालों की योजना का लाभ अब छोटे कस्बों के लोग भी उठा पाएंगे और इसकी मौजूदा सीमा 50,000 से बढ़ाई जाएगी। मोदी की गारंटी है कि मुफ्त राशन की योजना आने वाले 5 साल तक जारी रहेगी। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि गरीब के भोजन की थाली पोषण युक्त हो और उसके मन को संतोष देने वाली हो और एफोर्डेबल ही और सस्ती भी हो। यानी पेट भी भरे, मन भी भरे और जेब भी भरा रहे। मोदी की गारंटी है कि जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ सस्ती दवाएं मिलती रहेगी। इतना ही नहीं, इन दवाइयों के जन औषधि के केंद्रों का हम विस्तार भी करेंगे। मोदी की गारंटी है कि आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता रहेगा। मोदी की गारंटी के इसी क्रम में भाजपा ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय 70 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी बुजुर्गों से जुड़ा है। आज जो बुजुर्ग हैं उनकी बहुत बड़ी चिंता होती है कि बीमारी की स्थिति में इलाज का खर्च कैसे आएगी, और ये मध्यम वर्ग परिवार को ज्यादा होती है। अब भाजपा ने संकल्प लिया है कि 70 वर्ष की आयु से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा।
बीजेपी का संकल्प पत्र पीएम मोदी के ज्ञान वाले मंत्र पर फोकस है। संकल्प पत्र में गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास का पूरा ध्यान रखा गया है। महिलाओं के बारे में पीएम मोदी ने अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया। मोदी ने महिला शक्ति वंदन बिल का जिक्र किया। संसद में इस बिल को पारित किया जा चुका है। मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के 3रे कार्यकाल में सरकार इसे लागू करेगी। मोदी ने कहा कि पिछले 10 साल नारी गरिमा को समर्पित रहे हैं, अगले 5 साल नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। लेट डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आज संकल्प पत्र जारी करते हुए भ्रष्टाचार पर बड़े एक्शन की बात भी कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि करप्शन पर एक्शन लगातार जारी रहेगा, जो गरीबों को लूटेगा उन्हें जेल जाना ही होगा। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं।
मोदी के चार मंत्रों में एक युवा पर भी इस संकल्प पत्र पर पूरा फोकस रखा गया है। मोदी ने सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता का वादा किया, पेपर लीक पर शिकंजा के लिए सख्त कानून बनाने की बात कही। बीजेपी के संकल्प पत्र में साफ साफ कहा गया है कि स्टार्टअप फंडिंग का विस्तार होगा, सरकार स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे, ये अवसर इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से पैदा होंगे। भाजपा सरकार ने गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर बनाकर दिए हैं। अब जो अतिरिक्त जानकारियां राज्य सरकारों से मिल रही हैं, क्योंकि परिवारों के विस्तार होते हैं, एक घर से 2 घर बन जाते हैं और खुद नया घर बनाने की शक्यता संभावना नहीं होती है, तो उन परिवारों की भी चिंता करते हुए हम 3 करोड़ और घर बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए, अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए, अब हम करोड़ों परिवारों का बिजली बिल 0 करने और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे।